हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है करण और आप सभी का मेरे टेक्निकल के चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स आप सभी सीखेंगे कि कैसे फ्रेंड्स आप अपने आधार कार्ड नंबर से कैसे पता कर सकते हैं कि आपका खाता चालू है या बंद है। तो फ्रेंड्स करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फ्रेंड्स आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल को ओपन कर लेने के बाद फ्रेंड्स आपको ऊपर सर्च करना है UIDAI, आपको इसको सर्च कर लेना है। इसको सर्च कर लेने के बाद फ्रेंड्स आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आपको पहली वेबसाइट दिख रही है, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक कर लेने के बाद फ्रेंड्स ये थोड़ी प्रोसेसिंग होगी, इसको आप पूरा होने देंगे। फ्रेंड्स कुछ इस तरह का पेज आपके फ़ोन पर ओपन हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। एक मिल रहा है गेट आधार का, दूसरा मिल रहा है अपडेट आधार का, और तीसरा मिल रहा है आपको आधार सर्विस का। आप आधार सर्विस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक कर देने के बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है आधार लिंकिंग स्टेटस, आप इस पर क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स, देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स आपको थोड़ा नीचे आना है। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड का जो भी नंबर है आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। चलिए फ्रेंड्स मैं अपने आधार कार्ड का नंबर डाल देता हूँ, और आपको यहाँ ये नीचे कैप्चर कोड दिया हुआ है, आपको इस कैप्चर कोड को भी फिल कर देना है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स मैं इसको फिल भी कर देता हूँ। आधार नंबर और कैप्चर फिल कर देने के बाद फ्रेंड्स आपको सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। आपके आधार कार्ड पे जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है फ्रेंड्स। देख सकते हैं OTP आ गया है। अब फ्रेंड्स मैं इस OTP को यहाँ पे डाल देता हूँ। चलिए फ्रेंड्स OTP डाल देते हैं। OTP डाल देने के बाद फ्रेंड्स आपको सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देने के बाद फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे एक पेज ओपन ओके आ गया है। यहाँ लिखा है कॉन्ग्रेचुलेसन, योर आधार कार्ड बैंक मैपिंग हैज़ बी डन। आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है वो ऊपर शो कर जाएगा, और देख सकते हैं यहाँ दूसरा ऑप्शन लिख के आया है बैंक लिंकिंग स्टेटस। देख सकते हैं आपका खाता एक्टिव है, देख सकते हैं फ्रेंड्स इसके नीचे लिखा है एक्टिव, और आपने अपना खाता कब खुलवाया था वो भी तारीख यहाँ पे दी हुई है। देख सकते हैं फ्रेंड्स पूरी 6/2/2021 को मैंने खुलवाया था, और बैंक का नाम भी फ्रेंड्स नीचे शो कर रहा है कि आपका खाता किस बैंक में है। फ्रेंड्स देख सकते हैं नीचे लिख के आ रहा है पंजाब नेशनल बैंक। फ्रेंड्स आप अपने आधार कार्ड नंबर से पता कर सकते हैं कि आपका खाता चालू है, एक्टिव है या नहीं है फ्रेंड्स।